तो आप सभी कैसे हो। मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे भाई कि आंसर की के बारे में। आंसर की बारे में कैसे आई नहीं आंसर की, फिलहाल में पता है हमें आंसर की नहीं आई है। एक लिंक वायरल हो रही है, आप सभी को पता होगा। और भाई उस लिंक वायरल की वजह से, मतलब रात को जो लिंक आई थी, मतलब हमारे पास भी आ गई थी दोपहर में, कल दोपहर में एक लिंक आ गई थी। बोल रहे थे कि ये लिंक है जो इससे अभी आंसर की अपलोड हो गई है, आंसर की आने वाली है, इनकरेक्ट डिटेल दिखा रही होगी। आपको नहीं पता है तो ग्रुप में डल चुकी है, ठीक है। तो आपको हम बता दें कि जिन बच्चों ने भाई वो लिंक देख लिए, वो रात रात भर जगे हैं कि हाँ अभी आएगी लिंक, अभी आएगी, मतलब अभी आंसर की आ जाएगी, अभी आंसर की आ जाएगी। कौन कौन भाई है जो मतलब कि आंसर की के लिए रात भर जगा है भाई? रात भर जगे हैं बहुत सारे व्यक्ति, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो रात भर जगते रहे। कई सारे व्यक्तियों ने देखा, और हमने तो भाई आज हम सुबह आ रहे थे ना, तो हमने सुबह देखा, एक दो वीडियो हमें दिखी यूट्यूब पर भाई, रात की जो रिकॉर्डिंग थी, तीन तीन चार चार घंटे उस पर रिकॉर्डिंग करते रहे, देखते रहे हाँ आंसर की आने वाली, आंसर की आने भाई। तो आंसर की आएगी तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, हम टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत डाल देंगे कि आंसर की आ चुकी है। देखो आपको एक और चीज़ बताएं, तो हमने पहले बताया था, दो बार बता दिया कि आज शाम तक या कल आएगी, ये बताया था हमने। तो भाई वो जिसने भाई हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, वो गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके लिए सॉरी भाई, हमने गलत बताया। लेकिन फिर हमने ग्रुप में डाल दिया था कि अभी भाई आंसर की लेट हो जाएगी, कुछ समय और लगेगा आंसर की को आने में। तो भाई आंसर की आ जाएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बहुत सारे व्यक्ति को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। भाई जिनको डाउट है वो अलग बात है कि भाई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं भाई। दो जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है, पहले तो हम उसको वेरीफाई करते हैं, जब कभी वेरीफाई नहीं कर पाते हो बता देते हैं, तो वही क्या निकल जाती है, गलत इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, सीधी सीधी बात है। हाँ कम्युनिटी पर भी वो पोस्ट डली थी कि आंसर की आ जाने वाली है या नहीं आने वाली है, तो वो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, गलती से हमने डाल दी भी दी थी, वो हमारी गलती थी, उसके लिए हम माफ़ी मांगना चाहते हैं आप सभी से, ठीक है। आगे बात करें भाई, दो हमने पहले बता दिया था आपको, एक वीडियो और डाली थी कि भाई बहुत सारी वीडियो डल रही हैं, आप तो अभी कट ऑफ पर भी डल रही होंगी, अभी आंसर की पे भी डल रही है। आंसर की पे मतलब कि अगर आप सर्च करोगे ना SSC GD आंसर की, आपको 50 वीडियो दिख जाएंगी, बिल्कुल 15-20 मिनट वाली। अभी आप अभी सर्च करो आप, तो आपको देखेंगी आंसर की अभी हाल डाली है, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, कि आ गई आंसर की, लो देख लो आ गई आंसर की। उन पर मतलब व्यू भी अच्छे खासे हैं, व्यू अच्छे खासे हैं, मतलब आप लोग देख भी रहे हो तो इसलिए व्यू भाई, और कोई तो देख नहीं रहा, SSC GD वाले कैंडिडेट ही तो देखेंगे आंसर की। ऐसा तो है नहीं कि जो RRB की तैयारी कर रहा है, जो RPF की तैयारी कर रहा है, वो व्यक्ति तो देखेगा नहीं SSC GD की आंसर की। जिसने पेपर दिया है, जो SSC GD की तैयारी कर रहा था, वही तो देखेगा। तो भाई आप ही लोग देख रहे हो, आप ही लोग बढ़ावा देख रहे हो। एक चीज़ दो, अपनी तैयारी करते रहिए, अभी आंसर की आएगी जब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये बता दी, अब आप क्या करना है, तो भाई अभी तैयारी करते रहिए भाई। जिनको मतलब क्लियर है कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। वो अब बोलेंगे भाई सेफ स्कोर, भाई सेफ स्कोर तो हमें ही बता देते हैं आपको। देखो ना, हम किसी को देख के बताया ना, जो पिछली बार मेरिट गई थी ना, उतनी समझिए सेफ स्कोर, जितनी पिछले बार मेरिट गई थी वो तो सेफ समझिए, समझ उससे फालतू भी जा सकती है, जरूर ध्यान रखें, कम भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं कह रहे, लेकिन अगर उससे कम चलेगी तो कोई बात नहीं आपकी, अगर उससे फालतू गई तो दिक्कत है। तो आपको उतने नंबर है, उतने कुछ हो सकते हैं आपके, बन सकते हैं आपको, अगर लग रहा है कि हमारे इतने नंबर हो सकते हैं, क्लियर तो पता नहीं होगा क्यों आंसर किया ही नहीं, अगर उतना सेफ स्कोर मान सकते हैं। जैसे पिछली बार अगर देखा जाए तो जैसे SSFP का टॉप है, पिछली बार पता है कि OBC जनरल की 148-149 ये गई थी, लड़कों की, लड़कियों की कम गई थी, 40-42 इतनी गई थी, ठीक है। तो उतना अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं, इसके लिए अपने अपने राज्यों की मान सकते हैं, कि मान लो कि कहीं जैसे उड़ीसा है राज्य, उड़ीसा राज्यों की कम से कम 80-90-95-100 जाती है, तो उससे ज़्यादा नंबर बनने के आपके चांस है, तो उतना अपना सेफ स्कोर मान सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं। हाँ अब एक और डाउट आ गया सर कि रनिंग के बारे में बताइए, SSC GD की रनिंग किस प्रकार से करनी है भाई? तो दो SSC GD की रनिंग के लिए क्या है, कुछ नहीं, हमने एक वीडियो डाल रखी है, एक वीडियो है SSC GD की रनिंग की, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं कि हमने पूरी बताई है कि किस प्रकार से आपको रनिंग करनी, किस प्रकार से शुरू करना है, किस प्रकार से एंड करना है, कब टाइमिंग लगाना शुरू करना है, पहले आपको किस प्रकार से दौड़ना है, अगर आप दर्द हो रहा है तो क्या करना है, जैसे पैर हाथ पैर में दर्द होने लगता, बॉडी में पेन होने लगता तो क्या करना है, और क्या क्या आपको मतलब कि डाइट लेनी है वो है, ठीक है। ये हमने पूरी वीडियो में बना के रखा है, बता दिया था आप सभी को, ठीक है। ये चीज़ हमने बता दी फिजिकल के बारे में। अभी आप देख रहे हो एक और वीडियो चल रही होंगी, अभी आंसर की तो चल ही रही है, अभी फिलहाल में आप देख रहे हो किसके ऊपर, सेफ स्कोर के ऊपर भी देख रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज किसके ऊपर देख रहे होगे, आप कट ऑफ के ऊपर देख रहे हो, और रिजल्ट रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल कब होगा, ये चीज़ है। तो भाई हम आपको अगर बताएं अपने अंदाजे से, तो फिजिकल होने के कब चांसेस हैं अगर देखा जाए, तो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है ये बता रहे हैं, जो अभी फिजिकल नहीं होंगे, कभी नहीं, कब नहीं होंगे फिजिकल, इलेक्शन के बाद फिजिकल होंगे, सीधी सीधी बात, इलेक्शन में फिजिकल नहीं होंगे आपके, लोकसभा जो इलेक्शन होना है उसमें आपका फिजिकल नहीं होगा, कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, क्योंकि जितनी भी फोर्सेस हैं वो इलेक्शन में लगा दी जाएगी। तो बताइए आप, मतलब जो फोर्स इलेक्शन में लगा दी जाएगी,
तो वो आपका फिजिकल कराएगी कि इलेक्शन चुनाव कराएगी, तो आप खुद सोच लीजिए। तो सीधी सीधी अगर रिजल्ट भी आ गया इलेक्शन के बीच, मान लो रिजल्ट आ गया, तो फिजिकल आपका इलेक्शन के बाद होगा, जब सरकार बन जाएगी जिसकी भी बनेगी, जो सी भी सब पार्टी की बनेगी, तो उसके बाद क्या होगा आपका इलेक्शन होगा कि उसके बाद सीधी सीधी बात आपका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है। और दो चार डाउट होते हैं फिर अभी बोलेंगे साहब फिजिकल की, मतलब कि वो बताइए क्या बोलते हैं फिजिकल में क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जब फिजिकल की बारी आएगी तब आपको बता दिया जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है। फिजिकल में क्या क्या होता है वो हमने पहले ही बता दिया कि एक वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, जैसे बहुत सारे डाउट होते हैं भाइयों की जैसे हमसे, तो हमने मतलब एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उस पर भाई मैसेज नहीं होते, लेकिन जो मैसेज हमारा नाम दिखता है पवन निरंजन के नाम से सर्च करके वहाँ पर हमसे क्या कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं। अगर उसमें नहीं मिल रहा है तो हमारी इंस्टा आईडी की लिंक है उस पर डली है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके हमसे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है आपको बता दें कि अगर बात करनी है मतलब कि कोई डाउट है नहीं क्लियर हो रहा है तो वो हम क्लियर करने की आपकी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जितनी हमें इन्फॉर्मेशन होगी उतनी तो हम पूरी क्लियर करेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई व्यक्ति इतना हो कि उनको वर्ल्ड की पूरी जानकारी हो, पूरी इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा नहीं होता भाई। जिस मतलब कि डिपार्टमेंट है जिसकी जानकारी होगी वो हम आपकी क्लियर कर देते हैं, और नहीं होती है तो हम कहीं से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके या पूछ के कहीं से तो वो आपको बता दी जाती है, ठीक है। अब आप लोगों के डाउट ये भी चल रहे होंगे वैकेंसी बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, जब वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगी वैकेंसी बढ़नी है कि नहीं बढ़नी, ठीक है। इस प्रकार अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को ढील मत दीजिए, जो भी आगे वैकेंसी आ भाई ये साल है जो आपकी वैकेंसी का साल है, ये जरूर ध्यान रखें वैकेंसी साल। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं ले पाए तो सोच लीजिए सिलेक्शन गया आपका, जिसने इस बार सिलेक्शन ले लिया ना वही है आज इस बार, क्योंकि इस साल में बहुत वैकेंसी आनी, दो अभी अगली और एसएससी जीडी की आनी है वैकेंसी, बताइए अभी दो दिल्ली पुलिस की एक आईटी वायरल हो रही है ना, उस पर हमने वीडियो बना रखी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी लगा आ सकती हैं वैकेंसी, नहीं आएंगी वो हमने बताया है, फेक है रियल है वो चीज़ अलग बताई हमने उस मतलब कि वीडियो में, ठीक है। वो भी वैकेंसी के बारे में है, अब दो आरपीएफ की वैकेंसी आ ही चुकी है, रेलवे टेक्नीशियन की आ चुकी हैं, ठीक है। और इसके भी निकल चुके हैं फार्म, क्या बोलते हैं उसे, ELP के, अभी ग्रुप डी की आएंगी, सबकी वैकेंसी धीरे धीरे आएंगी, बहुत सारे उसमें आनी है। तो आप तैयारी करते रहिए, तैयारी मत रोकिए। आप सोचोगे हमें SSCD पेपर दे दिया हम कुछ ना करें, तैयारी को मत रोकिए, जरूर ध्यान रखें, क्योंकि भाई आप तैयारी रोक देते हो ना तो आपको फिर दोबारा शुरू करने में बहुत दिक्कत होती है, हमें पता है। देखो हमें इसलिए पता है कि जब जैसे हम ट्रेनिंग गए थे ना, तैयारी हमारी रुक गई थी, फिर उसके बाद आते हैं ना ट्रेनिंग के बाद इधर आए, तैयारी शुरू करना धीरे धीरे चालू किया, तो भाई दिक्कत होती थी कि हाँ भाई हमें ऐसा लगता था भाई कैसे इतना सिलेबस होगा, लंबा सिलेबस लगने लगता था, पर धीरे धीरे पढ़ते रहते थे ना फिर होने लगता था, मतलब तो फिर अपना कवर होने लगता है, तो दिक्कत होती है, ये चीज़ दिक्कत होती है हमें पता है, क्योंकि हमने पढ़ाया है कॉम्पिटिशन की मैथ रीजनिंग, हमने हिंदी पढ़ाई है, ठीक है, थोड़ी जी के जैसे भी पढ़ाई है, और हम जानते हैं बच्चा कहाँ गलती करता है, मतलब इतना भी तो अनुभव नहीं है लेकिन और टीचरों के अपेक्षा, लेकिन एक दो साल का ढाई साल का हमें अनुभव है कोचिंग का, पढ़ाया है हमें टीचर का अनुभव है कि दो साल हमने ढाई साल पढ़ाया है कि बच्चे किस प्रकार से पढ़ते हैं, किस प्रकार से क्या करते हैं, ठीक है। तो अपनी आंसर की इंतजार मत कीजिए, आंसर की आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये हमने बता दिया है, ठीक है। कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हम इन्फॉर्म कर देते हैं, कभी गलत निकल आती है वो इन्फॉर्मेशन, कभी मतलब कि निकल आती है तो उसके लिए हम बता देते हैं कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन है, इतने दिन बाद आएगी या नहीं आएगी, वो बात चीज़ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके लिए हम वीडियो लाते रहेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।